बार बोले पवित्र आत्मा की संगति। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि पवित्र आत्मा जब लोगों के ऊपर आता है लोग वाइब्रेट होने लगते हैं या अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। लेकिन मैं शुरू में उस बात को क्लियर कर दूं, केवल अन्य भाषा बुलवाने के लिए पवित्र आत्मा आएगा ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। हाँ, अन्य भाषा का एक वरदान है जो विश्वास करने वालों के लिए रखा हुआ है, और मैं ये व्यक्तिगत तौर पर विश्वास करता हूं ये अन्य भाषा का वरदान वो कुंजी है जो बाकी सारे वरदानों को खोल देती है। लेकिन साथ साथ मैं आपको सही शिक्षा की और आज रात को लेकर आना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा बुलवाने वाली आत्मा नहीं है, ये परमेश्वर स्वयं है, ये परमेश्वर का आत्मा है और ये जीवित प्राणी है जो अपनी कलीसिया को अपने यीशु के लिए तैयार करने के लिए आज संसार में मौजूद है। मुख्य शिक्षाएं यीशु के शब्दों में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के अंदर आपको पवित्र आत्मा की शिक्षाएं मिलेगी। नए नियम की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन पुराने नियम का अगर आप अध्ययन करेंगे, नबियों ने अपने हाथों को उठाकर प्रार्थनाएं करी और उन्होंने घोषणाएं करी कि एक दिन आएगा कि केवल पवित्र आत्मा आकर लोगों से काम करवाकर चला नहीं जाएगा। गिदोन के ऊपर पवित्र आत्मा आया, बल से आया और चला गया। शाऊल राजा के ऊपर आया, वो अलग ही मनुष्य बन गया और वो चला गया। योएल नबी जैसे लोगों ने एक प्रकार इस प्रकार कहा, एक दिन आएगा पवित्र आत्मा सब प्राणियों पर उंडेला जाएगा और सब के सब भविष्यवाणी करने लगेंगे, क्या स्त्री क्या पुरुष क्या दास क्या गुलाम क्या बेटे और बेटियां, सब लोग नबूवत करने लगेंगे। योएल नबी ने आने वाले दिनों की ओर देख कर भविष्यवाणी करके बोला ऐसा एक दिन आएगा। दे वर लॉन्गिंग, वो इंतजार करते थे कब वो दिन आएगा, लेकिन उनके दिनों में नहीं आया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर देह धारण कर मनुष्य के बीच में डेरा उसने किया और उसने अपनी सेवकाई को किया। अगर आप लूका रचित सुसमाचार और मरकुस के दोनों जिलों का अध्ययन आप करेंगे, आप पाएंगे पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के अंतरंग संबंध था, अंतरंग संबंध था उसकी उसके जन्म से लेकर। आपको याद है ना मरियम से प्रभु का आत्मा ने क्या बोला, दूत ने क्या बोला, पवित्र आत्मा तुम पर क्या करेगा, छाया करेगा और तू गर्भवती होगी। यानी कि उसके जन्म से लेकर पवित्र आत्मा यीशु के साथ साथ था और सेवकाई में उसको मदद कर रहा था। लूका 4 अगर एक पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु को पवित्र आत्मा जंगल में लेकर चला गया। 40 दिन के बाद वहां से लिखा है यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से बाहर आया और गलील में और नाजरत में सेवकाई करने लग गया। प्रेरितों के काम 10:38 अगर आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ से यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता फिरा। यानी कि अगर आप अध्ययन करें यीशु ने पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर कुछ भी नहीं किया, क्षमा करें सब पवित्र आत्मा की सहायता से ही सब कुछ किया और उसके बिना कुछ भी नहीं किया। यहां तक इब्रानी की पत्री के अंदर लिखा है अनंत आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पर चढ़ाने के लिए कुर्बान कर दिया। एक मनुष्य के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वहां पर भी एनेबलिंग स्पिरिट यही पवित्र आत्मा है जो कि यीशु के करीब आकर उसके साथ खड़ा रहकर उसको एनेबल करता है कि क्रूस का दुख उठा सके ताकि पिता की मर्जी पृथ्वी पर पूरी हो सके। आप समझिए ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा आज रात को मेरे को और आपको एक नई यात्रा के अंदर लेकर जाना चाहता है। यही पवित्र आत्मा आपको सीमित अवस्था के अंदर रखने के लिए नहीं, आपको 4 दीवारी के अंदर बांध कर रखने के लिए नहीं, आज रात को एक नए अनुभव में एक नए आयाम में एक नए मंडल के अंदर लेकर जाना चाहता है। मेरी व्यक्तिगत कहानी इस प्रकार है, इस पवित्र आत्मा से परिचय की। बहुत छोटा मैं था और कलीसिया के अंदर एक प्रभु के दास आए और उन्होंने सबको बोला प्रार्थना करो तुमको अन्य भाषा का वरदान मिलेगा, और मैं भी बड़े सिंसियरली छोटा था मैं, और मैं प्रार्थना करने लगा। मुझे अन्य भाषा तो नहीं मिला, अन्य शब्द मिला, यानी कि एक टुकड़ा मेरे को मिला। और कुछ दिन मैं करता रहा, प्रार्थना करता रहा करता रहा, मुझे अजीब भी लगा अच्छा भी लगा, लेकिन उसके बाद मैं भूल गया। लेकिन मैं वो भूल नहीं सकता, जून 17 शनिवार 1995 की रात थी, हमारे चर्च के अंदर एक यूथ कैंप था
और उस यूथ कैंप के अंदर प्रभु के दास एडी ओकोरो एक नाइजीरिया का भाई था, वो वहां पर खड़े होकर प्रभु का कलाम प्रचार कर रहा था और मैं पास में खड़े हुए एक कीबोर्ड पर कीबोर्ड बजा रहा था और मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं वहां खड़े खड़े कीबोर्ड बजाऊंगा और जब प्रभु का दास ऑल्टर कॉल देगा तो लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। मुझे ज्यादा नहीं मालूम था, मैं तो बस ऐसे टेक्निकल दुनिया के अंदर घूमने वाला एक नौजवान लड़का था उस समय पर। लेकिन 95 जून 17 करीब 9 सवारों के समय हो रहा था और मैं कीबोर्ड पर बजा रहा था, अचानक मेरे कान में एक आवाज आई, कीबोर्ड बंद कर। मैंने बोला ये प्रभु की आवाज नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बजाऊंगा तभी तो लोग आत्मा में भरेंगे और ताली बजाएंगे और अन्य भाषा प्रार्थना करने लगे। मेरे आवाज आने लगी कान में, कीबोर्ड बंद करो। मैंने बोला मैं बंद नहीं कर सकता, मैं बंद करूंगा तो आराधना ठप हो जाएगी। जो घमंड करते हैं उनको कभी मालूम नहीं पड़ता वो घमंड कर रहे हैं, लेकिन सामने वालों को मालूम पड़ जाता है ये कौन है, बहुत बड़ा घमंडी है। लेकिन मैं तो बड़ा नम्र इंसान था, मैं तो बस प्रभु की सेवा कर रहा हूं और आत्मा बोल रहा है बंद करो कीबोर्ड। मैंने बोला नहीं कर सकता, ये माहौल एटमॉस्फेयर बिगड़ जाएगा। मैं आज भी याद करता हूं कोर पोली 802 एक कीबोर्ड था, 95 की मैं बात कर रहा हूं मैं, और बहुत महंगा उस समय भी एक कीबोर्ड था। बचत करके मैंने बड़े बड़े प्यार से उसको खरीदवाया था मेरे पिताजी को कन्विंस करके, और अचानक एक आवाज मेरे कान में आई, यदि आप ये कीबोर्ड बंद नहीं करोगे मैं इसको जला दूंगा। मैं बहुत डर गया, शायद पवित्र आत्मा से भी उस समय ज्यादा मैं इस बात से डर गया कि मेरा प्यारा कीबोर्ड जल जाएगा करके। और मैंने वहां पर कीबोर्ड बंद किया, पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला घुटना टेको, मैं वो भूल नहीं सकता। इसी प्रकार इसी साइड में था स्टैंड में कीबोर्ड था और मैंने मेरे हाथ को बढ़ाकर यहां से उसका स्विच बंद किया और पवित्र आत्मा ने बोला झुक कर बैठ जाओ। और जैसे ही मैंने घुटने टेके, मुझे याद है करीब 9:30 के समय था, और जब बाद में मैंने आपको खोला रात की 1:30 बज रही थी वहां पर, और जब मैंने आप खोलकर देखा पूरा कमरा लोगों से भरा हुआ है, छोटे बच्चे क्या बड़े लोग आत्मा से भर कर अन्य भाषा बोल रहे हैं और 6 साल 7 साल के लड़कियां लड़के नबूवत कर रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। बच्चे मेरे पास आकर बोल रहे हैं भैया आपके लिए पवित्र आत्मा मेरे को ये दर्शन दिखा रहा है, मैं आपके लिए ऐसा देख रहा हूं। और मैं मेरे खुद की हालत पर मैं लज्जित था, मैं प्रभु से क्षमा मांग रहा था, प्रभु नहीं नहीं मेरे जीवन दोगला जीवन नहीं, तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन बन जाए। और उस दिन 3.5 घंटे के मेरे पवित्र आत्मा के साथ के एनकाउंटर के अंदर मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक उस रात को मुझे मिला। और उस रात को मैं भूल नहीं सकता, इसलिए मैं इस बात का बयान आपके लिए कर रहा हूं मैं कि उस रात के एक एनकाउंटर के बाद आज न जाने कितने साल हो गए, उसके बाद भी पवित्र आत्मा ने मेरी मदद करी है कि उसकी सेवकाई मैं कर सकूं, उसकी आवाज को मैं सुन सकूं और उसके जीवन के अनुसार उसके नक्शे के दम पर मैं चल सकूं। मैं कई बार पीछे हटाऊं, कई बार मैंने उसको दुख दिया है, कई बार मैंने उसको धोखा भी दिया है, लेकिन आज तक पवित्र आत्मा ने मुझे धोखा नहीं दिया और मैं उसकी महिमा आज रात को यहां पर करना मैं चाहता हूं। लेकिन कुछ बातों को मैंने मेरे जीवन के चलते चलते कुछ बातों को सीखा जो मैं आपके साथ आज रात को बांटना चाहता हूं। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं और आपको बाइबल पढ़ने में संघर्ष होता है, अगर आप अखबार आगे से पीछे और पीछे से आगे दो बार बिना उबासी लिए पढ़ सकते हैं और बाइबल पढ़ते ही आपको अगर नींद आने लगती है या आपको उबासी आने लगती है, आज रात को मैं उसका इलाज बताना चाहता हूं। आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। विश्वास करने वाले आमीन बोलिए जोर से मेरे साथ। अगर आप किसी विषय में कमजोर हैं और आपको वो विषय समझ में नहीं आ रहा, तो इमेजिन करिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं कैसे ये सब्जेक्ट कवर करूं, और अचानक उस किताब का लेखक स्वयं आपके उस कमरे में आकर कहता है मैं आपको सिखाना चाहता हूं मैंने इस किताब में क्या लिखा है। आप उनको पूछे आप कौन, तो बोले इस किताब का ऑथर मैं हूं और मैं आपको समझाऊंगा। और वो आपको करीब बैठकर अगर आप उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक अगर आपको समझाए तो कितने लोग कहेंगे मुझे समझ में आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे मेरे साथ रहे आप लोग आज रात को। दूसरा तिमोथी 3:16 के अंदर इस प्रकार लिखा है परमेश्वर का हर वचन गॉड ब्रीथ्ड है, यानी कि रूह से भरा हुआ है। उर्दू में अपन रूह बोलते हैं और इब्रानी भाषा में भी पवित्र आत्मा के लिए रूह आया है या परमेश्वर की नथनों से निकलने वाली श्वास, द फोर्स द एनर्जी विंड, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन वही श्वास थी जो दूसरे अध्याय उत्पत्ति के अंदर आदम और हवा में परमेश्वर ने फूंकी थी। ये वही अभिषेक था, ये वही जीवन था, मुझे तो कहने दीजिए वही जान था जो इस निर्जीव दो मिट्टी के पुतलों को या क्षमा कर एक मिट्टी के पुतलों को जीवित कर दिया था और वो एक चलता फिरता प्राणी वो बन गया था।
आज रात को भविष्यवाणी मैं करना चाहता हूं, आपके जीवन की निर्जीव हालातों में आज रात को पवित्र आत्मा को आप आमंत्रित करेंगे। आपकी कलीसिया, आपका जीवन, आपकी सेवा, आपकी बुलाहट, आपका परिवार निर्जीव नहीं रहेगा, आप जीवंत और जयवंत होने जा रहे हैं। विश्वास की ताली बजाकर आज रात को प्रभु को धन्यवाद देना मेरे साक्षी। वचन पढ़ने के क्षेत्र में, वचन के स्टडी के अंदर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। लेकिन आप बोलते हैं, नहीं नहीं मैं तो बढ़िया बाइबल स्टडी करता हूं, एक्चुअली मैं तो बाइबल टीचर हूं। मुझे तो ये भी कह देती, अगर आप बाइबल टीचर है ना, तो आपको प्रार्थना करके पवित्र आत्मा का एक्स्ट्रा अभिषेक चाहिए कि आप जो सिखाए आपके छात्रों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, लेकिन उनके जीवन और आत्मा का कार्य उनके जीवन के अंदर शुरू हो जाने पाए। सो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, वचन के क्षेत्र में, पहली बात मैंने बोला आपको आत्मा की जरूरत है, लेकिन दूसरी बात रोमियों की पत्री 8 अध्याय और उसके 26 आयत में लिखा है, जब हमें नहीं मालूम कि किस रीति से प्रार्थना करना है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आहे भर भर कर क्या करता है, हमारे द्वारा वो प्रार्थना करवाता है। कोई है क्या रात को, सच बोलिएगा, चलिए हाथ मत उठाना, लेकिन आप दिल से मेरे साथ हाँ या ना कहना। कोई है कि जो प्रार्थना के क्षेत्र में संघर्ष करता है कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं लेकिन होता नहीं है, बैठता हूं लेकिन डिस्टर्बेंस हो जाता है, मैं फोन भी बंद कर देता लेकिन डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आज रात को हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, आपकी ताकत से आप प्रार्थना कर नहीं पाएंगे, लेकिन आज रात को टूटे हुए दिल से पवित्र आत्मा को आप इन्वाइट करेंगे, वो आपके प्रार्थना के कक्ष में प्रवेश करेगा और आपके प्रार्थना का जीवन आज रात को बदल जाएगा, मैं विश्वास करता हूं। ये प्रार्थना करवाने वाली ही आत्मा नहीं है, आपके अंदर प्रवेश करकर प्रार्थना करने वाला आत्मा है, समझ रहे हैं आप? आपके अंदर वो आकर आपको केवल अवेलेबल होना है, आपको केवल उपस्थित होना है, आपको केवल प्रभु के सामने खड़े होना है, और ये बात पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर प्रभु की प्रार्थनाओं को, मैं तो कहता हूं ये पिता की प्रार्थनाओं को, पिता की प्रार्थनाओं को मनुष्यों के द्वारा ये आत्मा मेरे और आपके द्वारा आज रात को करवाना चाहता है। यहूदा की पत्री उसके 20 आयत में लिखा है, पवित्र आत्मा के अंदर प्रार्थना करते हुए, कैसे लिखा है पढ़िए, यहूदा 1 अध्याय इसलिए 20 आयत देखिए। आप बोलेंगे एक भी आपने आयत नहीं खुलवाई, हाँ तो अपने अति पवित्र विश्वास में, अति पवित्र विश्वास में, हाँ उन्नति करते हुए, उन्नति करते हुए, ध्यान देना शब्दों को आगे, और पवित्र आत्मा में कैसे, हाँ प्रार्थना करते हुए, हाँ अपने आप को, हाँ परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में क्या किया है, बोलिए जोर से, बनाए रखो, बनाए रखो, बस। इफिसी 6:18 में इस प्रकार लिखा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार तुम क्या करो, विनती किया करो। प्रार्थना के जीवन के अंदर अगर आपको एक रेवोल्यूशन चाहिए, अगर आपके एक तमन्ना अंदर है, प्रभु मेरा जीवन प्रार्थना मय हो जाने पाए, प्रार्थना मय हो जाने पाए। शुरू शुरू में मैं ये जो सिखाते थे उनसे मैं वाद विवाद करता था और उपहास करता था, मजाक उड़ाता, क्या ये हम प्रार्थना करते रहेंगे क्या, और कुछ काम नहीं करना है क्या? नहीं, इसकी गहराई को आप समझेंगे अगर जब आत्मा में आप आ जाते हैं। आप गाड़ी चला रहे होंगे, आप यहां से घर जा रहे होंगे, लेकिन आप पवित्र आत्मा को अनुमति आप देंगे, आपके अंदर से जहां से आप जा रहे हैं उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा आपको विवश करेगा। ऐसे लोगों का चेहरा आपको दिखाएगा जिनको आप जानते नहीं है, लेकिन जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, आप प्रार्थना के अंदर न केवल प्रार्थना के कमरे में लेकिन प्रार्थना की यात्राओं में, प्रार्थना आते और जाते समय आत्मा को अनुमति आप देते जाएंगे और पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करते हुए पिता की प्रार्थनाओं को इस पृथ्वी के अंदर करता चला जाए। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? और ये साधारण बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन आज रात को मैं आपको विवश करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा, आपको बाध्य करूंगा, एक मौका आज रात को पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए अपने आप को दीजिए।
केवल स्पर्श नहीं, आज रात को पवित्र आत्मा के एक एनकाउंटर आपके जीवन में आज रात को होने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। क्योंकि अगर एक एनकाउंटर होगा पवित्र आत्मा के साथ, आपके जीवन की दिशा और दशा हमेशा बदलती चली जाएगी। विश्वास करने वाले ताली बजाकर मेरे प्रभु यीशु मसीह का जोर से धन्यवाद बोलिए, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो वचन के क्षेत्र में आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। प्रार्थना के क्षेत्र में आपको क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। नीरस प्रार्थनाएं नहीं, मोनोटोनस प्रार्थनाएं नहीं। पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए कि क्रिएटिव तरीके से, मेरे छोटे अनुभव के अंदर में ऐसे लोगों को मैं मिला हूं जो बहुत खूबसूरत तरीके से आत्मा से प्रेरित होकर प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैंने ऐसे आर्टिस्ट को भी देखा है जो अन्य भाषा बोलते बोलते ड्राइंग करते करते पवित्र आत्मा जो उनको चित्र दिखाता है उसको वो बनाते हैं और प्रार्थना करते हैं। उनमें शहरों के नाम होते हैं, उनमें लोगों का नाम होता है, जातियों का नाम होता है, मुझे नहीं मालूम। क्रिएटिव तरीके से आज रात को कुछ लोगों को पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए अलग करने जा रहा है इस जगह के अंदर, और आप मोल्ड को ब्रेक करेंगे, आप स्टेटस को ब्रेक करेंगे, और आप कंफर्ट जोन को ब्रेक कर पवित्र आत्मा के बहाव में आकर ऐसी प्रार्थनाओं को आप करेंगे आपके जीवन से जिससे पिता प्रसन्न होगा और पृथ्वी बदल जाएगी। हालेलुया, बोल सकते हैं हमारे साथ जोर से? हालेलुया, बोलिए जोर से। लेकिन उतना काफी नहीं, न केवल वचन के क्षेत्र में, न केवल प्रार्थना के क्षेत्र में, लेकिन यूहन्ना के अंदर, इंजील के अंदर यीशु मसीह सामरी स्त्री से 14 अध्याय में बात करते करते 23वीं आयत में आकर बोलता है, क्या कहता है? ना तो इधर होगी आराधना, ना उधर होगी, ना बड़ा कन्वेंशन होगा, ना छोटा कन्वेंशन होगा, ना उधर का स्पीकर होगा, ना इधर का स्पीकर होगा, लेकिन सच्चे आराधक कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। और ऐसे ही आराधकों को कौन 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 ऐसे ही आराधकों को कलाकारों को प्रभु नहीं ढूंढ रहा है, क्षमा करना मेरा, कलाकारों को नहीं ढूंढ रहा है, कलाकारों को टीवी वाली दुनिया ढूंढ रही है, इंडियन आइडल ढूंढ रहा है कलाकारों को। कलीसिया में कलाकारों को नहीं चाहिए, कलीसिया में पवित्र आत्मा से भरकर यीशु की आराधना करने वाले लोगों की जरूरत है। आपको बजाना आता है बोलकर आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपको मंच मिल जाएगा। आपको गीत गाना आता है बोलकर आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपको माइक्रोफोन अपने हाथ में मिल जाएगा, क्योंकि ये एक पवित्र वेदी है और इस पवित्र वेदी में पवित्र आत्मा निर्धारित करेगा कि कौन क्या करेगा। समझ रहे हैं? तो हालेलुया, जोर से बोलिए। मैं आपको तुलना करवाने के लिए या कंपेयर कर निराश होने के लिए घमंड करने का अवसर मैं आप देना ही नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं, अपने आप को परख कर देखिए, क्या मेरी आराधना के द्वारा मेरा यीशु प्रसन्न हो रहा है? कभी कभी अपने से बोलते हैं आज की मीटिंग अच्छी थी, कुछ लोग बोलते हैं आज की आराधना मुझे बहुत अच्छी लगी। आप कब से परमेश्वर बन गए? ये स्टेटमेंट तो आपको नहीं देना है, जिसकी आराधना आप कर रहे थे उसको देना है। बोलो, समझ में नहीं आया? बोलो, आज का आराधना बहुत गजब था। आपने परमेश्वर की कुर्सी ले ली? नहीं, इसका मतलब आपका पर्सपेक्टिव आपने लूज कर दिया, आपका फोकस बिगड़ गया। कैमरा से आप ले तो रहे, फिलिप भैया के जैसे कैमरा से आप ले तो रहे, लेकिन फोकस ही नहीं है। सबको लग रहा फोटो ले रहे हैं, लेकिन ना लेंस है ना बैटरी है। और रील तो चलाएंगे इसलिए छोड़ दीजिए उसकी बात, लेकिन सबको क्या लग रहा है? सिंगर है, प्रीचर है, लीडर है। चाहता है आपकी आवाज मेंढक के समान होगी, आपको बजाना कुछ नहीं आता होगा, ताली भी आप बेसुरी बजाते होंगे, लेकिन आज रात को अगर आत्मा का अभिषेक के अंदर आ जाएंगे आप जातियों को प्रभु के राज्य में बनने वाले लेकर आने वाले वो कला को नहीं, वो कला को नहीं, वो तैयार दिलों को आज रात को ढूंढ रहा है पवित्र आत्मा। बच्चों के लिए जो आज शाम को गए उनके लिए भी प्रभु को, कल रात को हमने सीहोर के बच्चों के लिए ताली बजाई, आज रात को कौन से बच्चे थे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके लिए भी हम ताली बजाना चाहते हैं। जोरदार ताली बजाइए।
अरे जमाना हमें अप्रिशिएट करे ना करे, जमाना हमें रिकॉग्नाइज करे ना करे, जमाना हमें अपॉर्चुनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल रहा हूं मैं आपको, सफर जब अपन करते नहीं सारे वर्ड छूटते हैं, जमाना हमें रिकॉग्नाइज करे ना करे, अपॉर्चुनिटी दे या ना दे, लेकिन हम एक को खुश करने के लिए इस भवन में आए हैं और वो कोई आदमी नहीं है, वो यीशु मसीह है, उसको मैं आराधना देने के लिए आज रात यहां पर। लेकिन ये आराधना के अंदर उलट फेर आया कहां से, प्रोफेशनलिज्म आया कहां से, स्किल आया कहां से? हां लिखा है, वचनों में लिखा है, तार वाले सांस के साथ, खूबसूरती के साथ, स्किलफुली, इंग्लिश में लिखा है स्किलफुली बजाओ, स्किल का एक जगह है। बिना गिटार ट्यून करे हम आराधना करने लग जाए, हमारे पास अभिषेक इसलिए अपने आप ट्यून हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सबका समझ में नहीं आएगा, बजाने वालों के समझ में आएगा, ये भी गलत है। लेकिन मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं, आज रात को आराधना में प्रवेश करने से पहले इस महान परमेश्वर जिसका नाम पवित्र आत्मा है, उसको अनुमति दीजिए और कहिए, पवित्र आत्मा मैं मेरे शरीर को लेकर आ रहा हूं, आप इसको एक जीवित और भावता हुआ और सिद्ध बलिदान कर यीशु की महिमा के लिए आप चढ़ाइए, और मैं तैयार हूं। जब आप ऐसा कहने लगते हैं, पवित्र आत्मा आपकी आराधना को स्वीकार करने लगता है और यीशु के चरणों पर पहुंचाते चला जाता है। So in terms of the word of God, in terms of my prayer life, in terms of my worship, I need the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। और कितना दुख है, कितना दुखद है कि हमने सोचा कि हम जोर से ताली बजाएंगे और हमारे बहुत जोर से ताली बजाने के द्वारा जब अन्य भाषा हमारे अंदर आएगा तब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। नहीं, नहीं। एक और आयत मैं आपको बताना चाहता हूं, निर्गमन की पुस्तक 31 निकाली, निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ी, पढ़ी एक्सोडस 31। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ 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 उरी के पुत्र बसलेल को, हाँ जो हूर का पोता, हाँ और यहूदा के गोत्र का है, हाँ नाम लेकर बुलाता हूँ, नाम लेकर बुलाता हूँ, क्यों बुलाता हूँ भाई, हाँ और मैं उसको परमेश्वर के आत्मा से, हाँ जो बुद्धि, हाँ प्रवीणता, हाँ ज्ञान, हाँ और सब प्रकार के कार्यों की, हाँ समझ देने वाला, हाँ आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। और परिपूर्ण करने के बाद तीसरी आदमी पढ़ी क्या लिखा है, दूसरी बात लिखा है, जिससे हाँ कारीगरी के कार्य, हाँ बुद्धि से, हाँ निकाल कर सब भांति की बनावट में, हाँ अर्थात सोने, हाँ चांदी, हाँ पीतल में, हाँ और जड़ने के लिए मणि काटने में, हाँ और लकड़ी पर नक्काशी का काम करने, हाँ और सुन, हाँ मैदान के गोत्र, हाँ असीमा के पुत्र ओहलियाब को और उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान है उन सबों के हृदय में से मैं बुद्धि दूंगा, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबको क्या करे, वे बनाए। दो व्यक्तियों का नाम उठाकर वहां पर दिया है और उसके साथ अन्यों को भी अभिषेक मिला, बिजालियल और होलिया, उनको क्या अभिषेक मिला मालूम, गाने और बजाने का नहीं, कारपेंट्री का अभिषेक मिला उनको, सोने का, मढ़ने और गढ़ने का अभिषेक मिला। मुझे कहने दीजिए, पवित्र आत्मा केवल मंच पर कुछ करवाने वाला आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा केवल गीत गवाने वाला या आपको करंट देने वाला आत्मा ही नहीं है। अगर आप अनुमति देंगे आपके कार्य क्षेत्र में उतर कर आपके क्रिएटिव फोर्स के रूप में पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश कर अगर वो बेजालियल को सोने और लकड़ी और कपड़े का काम करने का अभिषेक दे सकता है, तो आपको खूबसूरत एक परिवार बनाने का अभिषेक आज रात को पवित्र आत्मा दे सकता है, आपको एक बेहतरीन डॉक्टर बनने का अभिषेक पवित्र आत्मा दे सकता है, आपको एक बेहतरीन टीचर बनने का अभिषेक पवित्र आत्मा आपको दे सकता है, आपको एक स्किल्ड टीचर, एक क्वालिफाइड क्राफ्ट्समैन, एक अनॉइंटेड बिजनेसमैन बनाने का अभिषेक भी पवित्र आत्मा के हाथ में है। और हम सोच रहे थे अन्य भाषा बोलूंगा तो मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, मैं सब नहीं, नहीं। स्किल, सब लोग बोलिए स्किल, जोर से बोलिए स्किल, कौशल बोलिए कौशल, आपने कभी कौशल का काम देखा है, कारीगरी देखी आपने कभी, क्या देखा आपने बताइए, चलिए क्या देखा आपने कारीगरी में, क्या देखा आपने, हाँ बहुत देखा सर, अरे बहुत तो देखा लेकिन देखा क्या आपने बताओ, क्या देखा आपने, हैं ओके ज्वेलरी बनते हुए देखा और दरवाजों पर
नहीं, बिल्कुल बारीक बारीक लकड़ी का काम आपने देखा है, मार्बल पे आपने देखा है। आपको मालूम ऐसे कामों को करने के लिए भी पवित्र आत्मा अभिषेक देना चाहता है, कारीगरी करने, खूबसूरत काम करने के। आप चेयर बिछाएंगे उसके अंदर भी एक अभिषेक आपको चाहिए कि खूबसूरत तरीके से इन चेयर को बिछा सके। आप सफाई करेंगे प्रभु के भवन की, उसको भी खूबसूरती से करने के लिए एक अभिषेक चाहिए, और वो पवित्र आत्मा आज रात को आपको प्रदान करना चाहता है। विश्वास करने वाले हालेलुया मेरे साथ जोर से मिलकर आज रात को। स्किल का आत्मा हम भूल जाते हैं। बहुत साल पहले उदयपुर के हॉस्पिटल के अंदर से मेरे पास एक फोन आया, और एक सर्जन का फोन था, और वो प्रभु में धीरे धीरे आ रहे थे, नए थे, और उन्होंने मेरे तो बोला हाय डॉक्टर हाउ आर यू वेयर आर यू, तो बोला हाय मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर हूँ। तो मैंने बोला थिएटर से आप मेरे को फोन कर रहे हो क्या? बोला पॉल आई वांट यू टू प्रे फॉर मी। मैंने बोला क्या हुआ बोलो? बोला मैंने सर्जरी शुरू कर दी है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सर्जरी पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैं आई हैव स्टार्टेड द सर्जरी बट आई थिंक आई कैन नॉट कंप्लीट द सर्जरी। मैंने बोला वेयर इज द पेशेंट? बोला He's lying in front of me. I've cut him open, but I cannot. I don't think. मैं घबराने लगे। मैंने बोला आप क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? बोला I just cannot. I'm feeling that I should quit. मुझे लग रहा है कि मैं थिएटर छोड़कर मैं चले जाऊं। मैंने बोला wait there. और आत्मा में अन्य भाषा बोलते हुए उस डॉक्टर के लिए मैंने प्रार्थना वहां से किया, और मैंने बोला आप विश्वास करिए, आपसे नहीं हो रहा है तो भी एक पवित्र आत्मा है जो आपको वो पूरा प्रोसीजर, मुझे भी नहीं मालूम क्या ऑपरेशन था, लेकिन बाद में उन्होंने बताया। लेकिन मैंने आत्मा में प्रार्थना करके बोला पवित्र आत्मा आप थिएटर में उतर कर आइए और उस डॉक्टर से जो नहीं हो रहा है अभी उसको आप पूरा करवाइए। शाम को उसका फोन आया, बोला थैंक यू सो मच पॉल, मैंने सर्जरी कंप्लीट कर दिया और मुझे लग रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन मैंने सर्जरी कंप्लीट कर दिया क्योंकि आपने प्रार्थना किया। मैं डॉक्टर नहीं था, मैं तो पास्टर था, लेकिन सर्जरी के कमरे के अंदर थिएटर के अंदर उतर कर कैसी सर्जरी करनी है वो मेरा पवित्र आत्मा जानता है, और क्या करवाना है वो भी मेरा पवित्र आत्मा जानता है। समझने वाले हालेलुया जोर से प्रभु को बोल। देखिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में एक बात बोला, और मैं आयतों को लेकर आपको दे सकता हूं, लेकिन आपको मैं एक ब्रॉड आउटलाइन दे रहा हूं, और यही पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा अगर आप सीखना चाहते हैं। लेकिन आपको लग रहा है ये तो सब मेरे को आता है, तो फिर आपको मैं क्या चारा डालू साहब, आपको तो सब आता है। लेकिन अगर आपके अंदर एक जिज्ञासा है, आपके अंदर एक अभिषेक है, आपके अंदर भूख है, उमंग है, प्रभु मुझे कुछ नया मुझे इन दिनों में देखना है, मुझे कुछ नया तेरे साथ मिलकर करना है, मुझे कुछ नया मेरे हाथों से होते हुए देखने की तमन्ना अगर आपके अंदर है, ये पवित्र आत्मा जी तैयार है, आपको तैयार करेगा और आपके हाथों को बलवंत कर उसकी महिमा आपके द्वारा करवाना ये पवित्र आत्मा चाहता है। टू बी ए हाउसवाइफ, टू बी ए सर्जन, टू लीड अ कंपनी, to lead a nation, to lead the nations of the world in financial crisis, in financial collapse, you need an anointing on your life. आपको एक अभिषेक चाहिए, वही अभिषेक जब राजा लोग आपको देखकर कहें, चाहे वो दानियल हो या यूसुफ, वो आपको देखकर कहेंगे इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसके अंदर देवताओं का आत्मा है, उनको कहने लायक अभिषेक आज रात को हम यहाँ पर पाने जा रहे हैं। विश्वास करने वाले हालेलुया बोले जोर से। वो अभिषेक कल और परसों नहीं, आज रात को हमको पवित्र आत्मा देने जा रहा है। और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को 14वें अध्याय के अंदर इस प्रकार बोला, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मेरे छोड़ने का यह तात्पर्य नहीं कि तुम अनाथ हो जाओगे, क्योंकि मेरे जैसा एक और, सब लोग बोलिए मेरे जैसा एक और, अरे एक बार और बोलिए, अरे एक बार और बोलिए मेरे जैसा एक और, पर बैठे हुए महानुभावों को तुम्हें भूल ही गया ऐसा लग रहा है, घबराना मत, बुरा मत मानना, देखूंगा बीच में आपको मैं, है बोलिए यीशु के जैसा ही, जोर से बोलिए यीशु के जैसा ही, एक बार और बोलिए यीशु के जैसा ही, कौन पवित्र आत्मा। और उसने इस प्रकार मानो शिष्यों को कहा, जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा था साक्षात तुम्हारे साथ खड़े होकर, ये पवित्र आत्मा तुमको आने वाले दिनों में वही करवाने जा रहा है। और ये प्रतिज्ञा आज रात को आपके लिए है, मानो साक्षात यीशु आपके हाथ को पकड़े हैं,
मानो साक्षात, मानो तो क्या सच बात है, साक्षात यीशु आपके हाथ में पकड़े हुए हैं और आपको आज रात को वो वचन से सिखाना चाहता है, प्रार्थना के वरदानों से भरना चाहता है, चिन्ह और चमत्कार आपके निर्बल हाथों से वो करवा कर यीशु को महिमा वो दिलवाना चाहता है। हालेलुया, बोले जोर से। So what did Jesus do for his disciples? यीशु ने अपने शिष्यों के लिए क्या किया? उनको वचन सिखाया, उनके साथ संगति करी, उनके साथ बैठकर उनको जीवन की बातें सिखाई। अरे एक चीज चुप गई, उनको दिशा निर्देश दिया, गाइड देम, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। यशायाह की पुस्तक 30 का 21 देखिए, यशायाह की पुस्तक 30 का 21। बोल रहे हैं आप लोग बाइबल या ठान लिया आपने? नहीं बोलेंगे। जब कभी तुम दाही और बाई और मुड़ने लगो, हाँ, ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। क्या पड़ेगा? दिस इज द वे, वॉक इन इट। ये तुम्हारे लिए कंफ्यूजन के अंदर जमाना रहना चाहिए, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है जो कंफ्यूजन को दूर कर कर क्लियर डायरेक्शन प्रदान करेगा। आज रात को अगर आप किसी भी विषय के अंदर कंफ्यूज हैं, आपको प्रार्थना करके अभिषेक आज रात को लेना है और आपको कहना मैं कंफ्यूजन में जीना नहीं चाहता हूं, मुझे क्लियर डायरेक्शन चाहिए, क्लियर डायरेक्शन चाहिए। और यहां लिखा है जब कभी तू दाई ये बाई और मुड़ने लगे, तब तेरे पीछे से ये वचन तेरे कानों में पड़ेगा। क्या है? मार्ग यही है। और अगर जब तक ये आवाज नहीं आए तो खड़ा रहे और तो चलता रहे, तो करता रहे, विश्वासी भी बना रहे, और जब ये आवाज आएगी तो उस आवाज के आधार पर अपने जीवन को मोड़ लेना। ये पवित्र आत्मा की आवाज है, ये पवित्र आत्मा की आहट है, ये पवित्र आत्मा का दिशा और निर्देश है। शिष्यों को यीशु ने अपनी आवाज दी, उनको सुरक्षा दिया, उनको वचन दिया, उनको उनको बलवंत किया कि वे जाके चिन्ह और चमत्कार कर सके, चिन्ह और चमत्कार कर सके। हमने 3 दिन में दान वरदानों के विषय में तो बात ही नहीं किया, हमारा विषय वो नहीं था, लेकिन हर रात को हम इस दान वरदान के आजू बाजू से ही होकर गुजर रहे। आप सुनिए, ये आत्मा के वरदान कहलाए गए और आत्मा का फल कहलाया गया है। आपने संदेश खूब सुने इसके बारे में, इसलिए मैं उसको छेड़ नहीं रहा। इतना बोलना चाहता हूं, वरदान भी पवित्र आत्मा आज रात को आपको यहां पर प्रदान करने के लिए आया है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें एक थोड़ा सा बदलाव तो नहीं, थोड़ा सा मैं एक आपके समझ को खोलना चाहता हूं। आज रात को एक वरदान मत मांगना, आप पवित्र आत्मा को मांगना, वो सारे वरदान लेकर आपके अंदर आएगा और समय समय पर इन वरदानों को आपके द्वारा करेगा। आप क्यों कंजूसी कर रहे हो कि मुझे चंगाई का वरदान चाहिए? नहीं, क्यों? बुद्धि का नहीं चाहिए, ज्ञान का नहीं चाहिए, सामर्थ्य के कामों का नहीं चाहिए, विवेचन का या परख का आत्मा को नहीं चाहिए? चाहिए। इसलिए आज रात को हम जब प्रार्थना करने जा रहे हैं कुछ ही मिनट के बाद, हम वरदानों के लिए नहीं, हम वरदानों के देने वाले पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए कहेंगे, मुझे आत्मा का वरदान मुझे आज रात को चाहिए। और तू, हाँ, मुझे मालूम है कि एक तमन्ना होती, काश कि मेरे पास ये वरदान होता। ये वरदानों के विषय में क्यों होता है? फल के विषय में क्यों नहीं होता? क्यों हमको सुनने को नहीं मिलता? काश कि मुझे धीरज का फल मेरे पास होता, क्योंकि वरदान दिखते, किसी को बोलना मत, फल दिखता नहीं है। वरदान की वाहवाही होती है, फल को कोई पूछता नहीं। कितने साल से धीरज से खड़े हुए हैं, वेरी कंग्रेचुलेशंस, कोई नहीं बोलता है। तो हम ही अपने आप को कंग्रेचुलेट करते रहते हैं और बोलते हैं बेटा एक साल और खींच ले, कोई बात, एक साल और एक्सटेंशन ले। लेकिन ये फल है जो समय लेता है, लेकिन परमेश्वर को आपके चरित्र के द्वारा कार्य करता हुआ अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको वरदान के पीछे नहीं, फल के पीछे आपको जाना पड़ेगा। समय नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये मैं इतना छेड़ कर मैं छोड़ देता हूं ताकि आपको सोचने पर आप मजबूर हो जाएं। आज रात को हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन एक और बात वचन के मामले में मैं ऐसे बोलते जाऊंगा, आप विश्वास से बोलना, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। ठीक है, तैयार है आप लोग? वचन के मामले में डाउट हो रहा है क्या? दुनिया की बेस्ट बाइबल स्टडी आप कर लो, महंगा से महंगा सॉफ्टवेयर आप खरीद लो, हाई फाई लैपटॉप आप खरीद लो, लेकिन अगर अभिषेक नहीं है ना,
अक्षर मारेगा मारेगा, ऐसा लिखा है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपके पास नहीं है, लेकिन ये पवित्र आत्मा का अगर अभिषेक है, एक वचन काफी है देश के अंदर जागृति को लेकर आने, एक वचन काफी, एक वचन काफी। अरे याबेस की प्रार्थना सुनो ना, पहले इतिहास के 4:10 चार लाइन की प्रार्थना, भला होता कि तू मुझे आशीष देता। ये भी एक संदेश, छोड़िए। नंबर 2, भला होता कि तू मेरे सिवानों को बढ़ाता। 3, और तेरा हाथ मुझ पर रहता, जिसके कान वो सुन ले। और 4, मुझे बुराई से बचाए रखता। और नीचे लिखा है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसके भाइयों में से उसको श्रेष्ठ बना दिया, और उसके नाम का एक शहर भी बना दिया और एक यूनिवर्सिटी भी बना दिया उसके नाम का। 4 लाइन की प्रार्थना, अभिषेक से भरी हुई प्रार्थना के अंदर क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है। कुछ लोग सोचते वॉल्यूम से मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरा यीशु जल्दी सुनेगा। वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाना, मैंने अभी नहीं बढ़ाना, मैंने अंश को पकड़ लिया, ट्रैक कर लिया, डोंट वरी। आपको लगता है मैं चित्ता चिल्लाऊंगा, और खास करके अगर आपका कास्ट पेंटा कास्ट है तो आपको लगता है बड़ा जोर से, बड़ा जोर से आप करेंगे ना। कल रात को आप आओगे तो भी मैं नहीं आऊंगा। हमको लगता है कि आवाज करो आवाज करो, अरे आवाज करने से कुछ नहीं होता है। अभिषेक है तो शांत वातावरण के अंदर भी जीवनों को बदलने की ताकत पवित्र आत्मा है। ये हमको सीखना है, मंडलियों के तरफ को सीखना है कि केवल गर्जन के अंदर ही नहीं, या ढंड के अंदर ही नहीं, या गिंग 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 के अंदर ही नहीं, शांत वातावरण के अंदर खड़े होकर आंसुओं के साथ पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए, हम उसको पहचानते हुए, उसको हाजिर और नासिर जानते हुए, उसको जब हम आराधना करना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हमारे दिनों में हम देखने पाएंगे। जोर से हालेलुया बोले। मैंने भी बोला जोर से हालेलुया। आपके पड़ोसी को जगा कर बोलिए, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, नहीं आएगा मुझे डाउट लग रहा है। अगर बोल रहे हैं हाँ तो बोला फिर तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। बोलिए फिर तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। बोल रहे दूसरे नहीं बोल रहे, आपको बोलिए, लग नहीं रहा आपने बोला। लेकिन एक और चीज रोमियों की पत्री 8 अध्याय निकाले, एक स्वर्णिम अध्याय है। रोमियों की पत्री 8 अध्याय पूरी बाइबल ही स्वर्णिम है, उसके अंदर से रोमियो और भी स्वर्णिम है, उसके अंदर से 8 अध्याय थोड़ा और चमकीला है। 8 अध्याय के अंदर शरीर में काम करने वाला व्यक्ति और आत्मा के अंदर काम करने वाले व्यक्ति की तुलना की। 5 आयत देखिए, रोमियो के पत्र 8 अध्याय और उसकी 5 आयत। हाँ, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। आगे थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, बताया आप लोग चलने, थोड़ा स्टडी भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी करेंगे। ये केवल प्रचार नहीं है, हम चाहते हैं आपका जीवन बदल जाए, इसलिए ऐसे हम आपको दे रहे हैं। 4 कंपैरिजन इसी आयतों के अंदर आपको अगली आयतों में मिलेगा। पहला कंपैरिजन क्या है, शारीरिक व्यक्ति और शरीर पर मन लगाता है, लेकिन आध्यात्मिक या आत्मिक व्यक्ति क्या करता है, आत्मा की बातों पर मन लगाता है। चेक करना अपने आप की हालत क्या। नंबर 2, नेक्स्ट आयत पढ़िए। हाँ, शरीर पर मन लगाना तो अगर आप शरीर पर मन लगाते हो, अगर आप शरीर को खुश करने के लिए दौड़ रहे हो और भाग रहे हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो हेयर स्टाइलिस्ट हो या बूट हो, शरीर पर अगर मन लगाओगे तो क्या लिखा है वहां पर, बोलो ना, डर क्यों रहे, बोलो, चुप हो गए बड़े लोग। अरे अरे, शरीर पर मन लगाओगे तो क्या है, अरे मत बोलो, शरीर पर मन लगाएंगे तो क्या होगा, लेकिन आगे क्या लिखा है, परंतु आत्मा में मन लगाने वाले क्या होगा, उनका जीवन और, अरे जीवन और, एक बार और बोले, जीवन और। अगली आयत पढ़ी। रुकिए, कितने लोग परमेश्वर की दुश्मनी झेलना चाहते हैं। क्या बोला,
अरे यहाँ लिखा है भगवान सिंपल, अगर शरीर पर मन लगाएगा तो तू खुदा को अपना दुश्मन बना रहा है। बाप रे, और आप सोच रहे थे दोनों चलेगा क्योंकि सब कर रहे हैं, इसलिए मैं भी कर सकता हूं। किसी ने मजाक में मेरे से एक बार बोला, जिस्म से जिस्मानी और रूह से रूहानी, संडे को मसीही तो मंडे को लगा लो आपका नाम जो भी लगाना है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खुदा आपको उठाकर ऐसा पटकेगा क्योंकि आपसे वो मोहब्बत करता है जैसे मेरे को पटका था, मैंने आपको कहानी बताई थी। और जब तक कि आप सुधर नहीं जाते हो आपके पीछे पड़ा रहेगा परमेश्वर, आपको मारेगा नहीं, आपसे वो प्रेम करता है, लेकिन झटक झटक कर आपको सुधारेगा। और आप पहले कहने पाओगे, अब मैं शरीर पर मन नहीं लगाऊंगा, अब मैं आत्मा की बातों पर मन लगाऊंगा, क्योंकि यहां पर क्या क्या है, दो बातें क्या मिलती मुझे, जीवन और शांति। लेकिन हम यहां तीसरी बात कंपैरिजन देख रहे हैं, अगर आप शरीर पर मन लगाओगे तो आप खुदा को दुश्मन बनाओगे। इसका विपरीत क्या है, चलिए लिखा नहीं लेकिन आप बताइए इसका उल्टा क्या हुआ, बोलिए। अरे अरे दिमाग लगाओ ना, हाँ, लेकिन अगर आत्मा पे मन लगाओगे तो परमेश्वर की दोस्ती मित्रता आपको मिलेगी। खूबसूरत है कि नहीं, बोलिए हालेलुया। बाइबल में किसको परमेश्वर ने अपना मित्र कहा, अब्राहम। इन दिनों में मूसा का वो वर्णन पढ़ रहा हूं और प्रभु के दास कल जो लीडिंग करे तो उन्होंने भी मूसा का वर्णन किया। आप सोच कर देखिए, वो गया पहाड़ के ऊपर और परमेश्वर ने बोले सबको यहाँ छोड़ दे, छोड़ दिया। एक को लेकर आ, यहोशू को लेकर गए और ये दोनों पहाड़ पर गए। प्रभु ने बोला उसको वहीं छोड़, तू अंदर आ। आठ दिन तक खड़ा रहा, आठ दिन के बाद उसको परमेश्वर की हुजूरी प्रकट हुई और आगे ऐसे लिखा है, और 40 दिन मूसा, हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं वट इज रही, मतलब ठहर गया। सोच के देखिए, हम तो ये सोच रहे 9 कब बजे और गाड़ी लेके हम घर कैसे जाएं, लेकिन मूसा से मिली जब उसने परमेश्वर की हुजूरी का स्वाद चख लिया 40 दिन के बाद, शायद मुझे लगता है परमेश्वर ने उसको बोला होगा, बेटा बहुत दिन हो गया, तू उठ, अभी तेरे को काम पे लगाता हूं मैं, तू जा तेरे लोगों के बीच में तू जा। खूबसूरत, जब आप खुदा की हुजूरी का स्वाद चख लेते हैं, एक गीत प्रभु ने दिया उसमें इससे शब्द प्रभु ने दिए, तेरी करीबी का स्वाद जो मैंने चखा अब और कुछ नहीं, मैं हूं चाहता अब और कुछ नहीं, अमन लाता हूं। अपनी आंखों को बंद करिए, प्रभु के सामने हाथ उठाइए, खुद को मैं नम्र करता हूँ, टूटा हुआ मन मैं लाता हूँ, खुद को मैं नम्र करता हूँ, तेरी करीबी का स्वाद जो मैंने चखा, चाहता गाइए ना, अब और कुछ मैं हूं चाहता, आगे बढ़ाकर मैं बंद करूंगा। तीन बातें हो गई, एक शरीर पर मन लगाना क्या है, मृत्यु है, लेकिन आत्मा में मन लगाना क्या है, जीवन और शांति। ये दूसरी बात थी, इससे पहले एक और बात थी, मुझे याद दिलाइए क्या था। हाँ, शरीर पर मन लगाना
शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति किस बात पे मन लगाता है? जोर से बोलिए। दूसरी बात, शरीर पर मन लगाना क्या है? जोर से बोलिए। मृत्यु है, लेकिन आत्मा में मन लगाना क्या है? जोर से बोलिए। जीवन और शांति। तीसरी बात, शरीर पर मन लगाना खुदा से क्या मोल लेना है? पैर रखना है। इसका विपरीत क्या है? अगर आत्मा में हम मन लगाएंगे तो क्या होगा? हम खुदा की दोस्ती को, यही तो हम प्रोनाउंस करते हैं, पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा का फ्रेंडशिप। आप सोच कर देखिए, आपके बच्चे जो घर से बाहर निकल रहे हो, काश की यह दुआ हम हमारे बच्चों के ऊपर बोलना शुरू करें, काश की यह दुआ हमारे पति के ऊपर बोलना शुरू करें, पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ रहे। जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जब आप बड़े बड़े डिसीजंस आप ले रहे हैं, जब आप चेक्स पर साइन कर रहे हैं, जब सरकारी काम आप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ रहने पाए, सोच कर देखिए आप। लेकिन एक और बात आगे लिखा है, आठ है, और जो शारीरिक दशा में है, हाँ, ये परमेश्वर को पसंद नहीं करता। हाँ, इसको मैं समझाता हूं। जो शरीर में है वे अपने आप को प्रसन्न करते हैं। इसके अंदर भी एक संदेश छुपा है, लेकिन घड़ी मेरे खिलाफ भाग रही। जो शरीर को प्रसन्न करते हैं या शरीर के अनुसार चलते हैं वे अपने आप को प्रसन्न करते हैं, लेकिन जिसका उल्टा क्या हुआ, विलोम क्या हुआ, जो आत्मा में चलते हैं किसको प्रसन्न करते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। चाहते हो क्या, कोई है या इस कमरे के अंदर जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं आज रात? Is there anybody here? Anybody here? वे हाथ उठाकर यीशु से आज रात को बात करना शुरू करें। देखिए, चार बातों में मैं आपको समेट रहा हूं, मुझे इतना कहने दीजिए, उसको सार करते हुए मैं ये कहूंगा। नंबर वन, वचन के मामले में बोले जो से आपको क्या, कौन चाहिए आपको, कौन चाहिए, क्या चाहिए नहीं, कौन चाहिए? पवित्र आत्मा। नंबर दो, प्रार्थना के मंडल में आपको कौन चाहिए? हाँ, आराधना के मामले में आपको कौन चाहिए? पवित्र आत्मा। स्किल और कारीगरी और नौकरी और पेशे के मामले में आपको कौन चाहिए? जोर से बोलिए। लेकिन आपको मैं अंत में बताऊं, ये आयतों का सार क्या है? शरीर और पाप से लड़ाई कर कर जयवंत होने के लिए आपको कौन चाहिए? आप अपने आप से कहते ना, कितनी बार मैं डिसीजन लेती हूं और लेता हूं, लेकिन होता नहीं, मैं फेल हो जाती हूं, मैं निर्णय करती हूं और मैं से गलती उसी दिन हो जाती है, मैं बोलती हूं कि मैं गुस्सा कभी नहीं करूंगी और उसी दिन मेरे से गुस्सा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही है। आप जितने भी डिसीजन शरीर में आप लेंगी, आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगी, लेकिन आज रात को हम आपको सिखाना चाहते हैं, हर निर्णय अगर पवित्र आत्मा की मदद से आप लेना शुरू करेंगे, निर्णय को लेने की ताकत ही नहीं, निर्णय को पूरा करने की भी ताकत यही पवित्र आत्मा आपको प्रदान करेगा। फिलिप्पी 2:13 में इस प्रकार लिखा है, फिलिप्पी 2:13 में लिखा है, तुम्हारे अंदर इच्छा और कार्य करने की शक्ति प्रभु तुमको प्रदान करेगा। केवल इच्छा नहीं होगी, both the will and the power to do that will be given to you by God Himself। आया स्क्रीन पर आया हुआ है फिलिप्पी 2:13, चलिए पढ़िए जोर से पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ही है, चलिए मेरे साथ पढ़िए, जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का, इसका ये आज स्क्रीन पर रखिए, इसका मतलब ये आइडिया जो आपके दिमाग में आया ना, ये आपका आइडिया नहीं, व्हाट एन आइडिया सर जी, नहीं है, ये पवित्र आत्मा का आइडिया है जो उसने मेरे दिल के अंदर डाला हुआ है। चाहे वो मिनिस्ट्री से हो, चाहे भूखों को रोटी खिलाने से हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से हो, चाहे सोशल वर्क से हो, चाहे कंपनी के अंदर कुछ नया स्कीम लॉन्च करना हो, चाहे कोई नई मिनिस्ट्री लॉन्च करना हो, इच्छा और काम दोनों कौन आपको प्रदान करेगा? पवित्र आत्मा आज रात को आपको प्रदान करने जा रहा है। Oh, I'm very excited tonight. मैं सुपर आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा आपको केवल 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 कुछ वरदान देकर चला नहीं जाता, ये पवित्र आत्मा आपके साथ ठहरे रहता है जब तक यह परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा नहीं कर लेते हैं। और ये कवनेंट वाली बात आ गई, हमने जो पहली रात को सीखा था, दोनों पक्ष में परमेश्वर उतर कर आ जाता है, डिमांड भी आपसे करता है कि आपको ये चीजें करनी है, और आप जब उससे पहले सोचे कि मेरे से नहीं होगा, उस तरफ आके बोलता है, डोंट वरी, मैं इस कंडीशंस को आपके लिए पूरा करके मैं आपको प्रदान करके दूं। दिस इज द होली स्पिरिट, दिस इज माय होली स्पिरिट, दिस इज योर होली स्पिरिट, जो आज रात को कलाम खोलकर प्रार्थना करवाकर
पवित्र आत्मा के द्वारा आराधना करवा कर पवित्र जीवन शैली जीने की अनुमति नहीं ताकत आज रात को आपको प्रदान करना चाहता है। कितने लोग आज रात को कहते हैं ये अभिषेक मुझे आज रात को चाहिए। शायद एक मंडल आप पकड़ लीजिए, शायद चारों चारों या पांचों मंडल आप पकड़ लीजिए, लेकिन आज रात को अपन मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। सब लोग नहीं, लेकिन जो ये कहते हैं मुझे ये चीज चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, अपने स्थानों पर खड़े होइए। अपन मिलकर आज रात को स्तुति और आराधना और प्रार्थना करने जा रहे हैं। कुछ लोग मेरी मदद करिए प्रार्थना के साथ करने के लिए। आज रात को मुझे कुछ प्रार्थना के शूरवीरों की मदद चाहिए जो मेरे साथ मिलकर ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हमारे लोग आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आएगा। धन्यवाद 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 नासरी यीशु की महिमा होने के लिए। एक और बात मैं बताऊं पवित्र आत्मा के विषय में, ही नेवर सीक्स हिज ओन ग्लोरी, अपनी महिमा कभी नहीं खोजता है पवित्र आत्मा। साथ तो फिर आप सोचेंगे तो ये महिमा लेकर कहां जाता है? ये सारी महिमा लेकर यीशु को चढ़ाता, निरंतर चढ़ाता रहता है। और आज रात को आपके जीवन के द्वारा भी पवित्र आत्मा कुछ खूबसूरत कर यीशु को महिमा देने जा रहा है। हालेलुया, तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार करिए, भूल जाइए अकाम खड़े और अपने हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा देना शुरू करिए और इन्वाइट करिए इस नए अंदाज के साथ, नए अंडरस्टैंडिंग के साथ, नए अभिषेक के साथ। प्रार्थना का क्षेत्र, आराधना का क्षेत्र, सेवकाई का मंडल, दान वरदान का मंडल, बुलाहट का मंडल, शरीर से संघर्ष करकर जयवंत होने का मंडल, शैतान शरीर और संसार पर आपको विजय करवाने वाला पवित्र आत्मा आपको निर्बल छोड़ने के लिए नहीं, आपको बलवंत करने के लिए आज रात की जगह पर आने वाला है। Come on, पुकारिए। लुका 11 में लिखा है तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? जवानों और बच्चों अपने हाथों को उठाओ मेरे साथ मिलकर और पवित्र आत्मा से बोलो मेरा शरीर आपका है, मेरा जीवन आपका है, मेरा भविष्य आपका है, पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। बोलिए ना मुंह खोलकर, पवित्र आत्मा आपके टूटी हुई आवाज को सुन रहा है। नौजवान पवित्र आत्मा आपके दिल को देख रहा है। एक हंगर, एक भूख और प्यास आपके जीवन में अंदर को लगाइए और बोलिए आई विल नो लॉन्गर बी ऑर्डिनरी, आई विल नो लॉन्गर बी सैटिस्फाइड विद द सेकंड बेस्ट। Beautiful.
अभिषेक लेकर जाना। यह परमेश्वर मीडिया का परमेश्वर है, यह परमेश्वर अडोबी के ऊपर परमेश्वर है, यह परमेश्वर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर परमेश्वर है, यह परमेश्वर टेक्नोलॉजी के ऊपर परमेश्वर है। पवित्र आत्मा you are.
यीशु के नाम से लोगों को मिल जाए। चलो